पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया। इसी क्रम में मध्य नगर मंडल पिछड़ा वर्ग ने भी विकास मंजिल कार्यालय स्थित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग मोर्चा महानगर अध्यक्ष चंद्र कुमार प्रजापति, मध्य नगर मंडल अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग पुष्पेंद्र माली, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष युद्धवीर सिंह चौहान, क्षेत्रीय पार्षद डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव, आकाश शर्मा, राजेश फौजी, स्वराज पाल, कमल कश्यप, दीप सारस्वत के साथ और भी लोग मौजूद रहे। थोड़ा सा डाउन कर दिया उसको हम मद्देनजर देखते हुए और हमने ये प्रक्रिया निकाली है कि घर बुद्ध पर जाकर सबसे समाधान करें, सबसे पूछे क्या कमी है और उसका निर्धारण करेंगे। और हमारी 2019 में पूर्णतः बहुमत से हमारी सरकार आएगी और इसी अटल प्रतिज्ञा से हम कार्य करें। सबको जय हिंद, जय भारत। चांद रहेगा, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा मध्य नगर मंडल की तरफ से आज हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत्संग नमन करते हुए उनकी जयंती का प्रोग्राम आज विकास मंजिल के प्रांगण में कार्य रखा गया। उस पर जो है कुछ गोष्ठी का प्रोग्राम भी किया गया और मिठाई का भी व्यवस्था की गई और हमने जो उनकी व्यवस्थाएं थी और उन्होंने जो हमें आदेश दिए थे या दिशा निर्देश पर चलने के लिए कहा था वो उपलब्धियाँ जो हैं आज जनता के बीच हमने बताई। और इसी को देखते हुए जो है आज जो भी हमारे अपने महानगर अध्यक्ष या अन्य महानगर की टीम थी उनके आशीर्वाद से सारी जो है मंच के माध्यम से सब योजनाओं को बताया कि मोदी जी ने आज 100 कुछ योजना चला रखी हैं, चाहे उज्जवल हो या आयुष्मान योजना हो, उसके बारे में बताया, उसे जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। और आज जो है ये जो जयंती मनाई गई स्वतंत्रता रूप के उसमें मनाई गई। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही कहना चाहेंगे जो अटल जी ने अपने दिशा निर्देश के हिसाब से सरकार चलाई थी उसी के आधार पर हम लोग संगठन की गतिविधियां लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और इसलिए स्वतंत्रता के रूप में हमने ये जन्मदिन मनाया। महानगर से क्या अपील करेंगे? महानगर से ये अपील करेंगे जो अटल जी जिन सिद्धांतों पर चल रहे थे उसी सिद्धांतों पर हम लोगों को चलना है और जनता से भी यही प्रार्थना करेंगे।